गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। फाइनली आज 8 दिन के बाद हमने एक रेस्ट डे रखा है। 31 क्या 30 तारीख से लगातार भाग रहा हूँ मैं। 31 की मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। 30 31 1 2 3 4 5 6 7 9 दिन, 9 दिन लगातार भाग रहा हूँ। अब जाके हमने एक रेस्ट डे रखा है, पर कहने का रेस्ट डे। आज इतनी तैयारियाँ करनी हैं, आज कपड़े धोने हैं सारे, कमरा साफ़ करना है, आज अनपैकिंग करनी है सामान की, और जो गिफ्ट्स मिले हैं और जो सामान और विक्टोरिया की मम्मी ने दिया है, विक्टोरिया के अंकल ने दिया है, वो अनपैक करना है। और साथ साथ कैमरा खाली करना है, आईपैड खाली करना है, भर गया वीडियो से, कंटेंट से। उससे पहले, सब स्टार्ट करने से पहले मैं दिखाता हूँ अभी बाहर का नज़ारा। इट्स कोल्ड हेयर, इट्स वेरी कोल्ड हेयर। एक मैं बस एक 10 सेकेंड के लिए जाऊँगा, बहुत ठंडा है। नो 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 नो, कोई नहीं कोई नहीं, इट्स वेरी कोल्ड। अभी हमने कल किया क्या था, कल हम शॉर्मली आए थे, दो पैक करा के बड़े बड़े, तो उनमें से एक बच गया था। तो अभी विक्टोरिया जी हमारी सोरिया शॉर्मा गर्म करेंगी। विक्टोरिया, यू कट एंड हीट इट, आई विल प्रिपेयर अदर थिंग्स। Yesterday I bought two shawarma. It's very tasty nearby. This one I will heat in my super small oven. तो भाई साहब चाय बन चुकी है पीछे टेबल पे, शोरमा हो रहा है गरम। अभी हमें कपड़े धुलने रखने हैं, इतने शोरमा गरम हो जाएगा। यू पुट द क्लोथ्स फॉर वॉशिंग, आई गो एंड मेक द शोरमा। कपड़े धोते हैं भैया, बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए, और इतनी ठंड में पता नहीं सूखेंगे कैसे, क्योंकि कल को हमें फिर निकलना है, और कल से पहले सारे वार्म थर्मल वाले कपड़े सूख जाने चाहिए। बाहर बहुत बुरा हाल हो चुका, धीरे धीरे पूरा वाइट वाइट मौसम हो गया, बादल नीचे तक आ गए, लग रहा बहुत बर्फ पड़ी है आज। स्पेशल मेरा गरम गरम शोरमा और कान में खुजली, वाह अलग कॉम्बिनेशन है। A few moments later. तो भाई साहब नाश्ता वास्ता हो चुका, हमने रेस्ट किया, मैंने एडिटिंग करी अपनी बैठ के खूब सारी वीडियो की, ताकि आप लोग देख पाओ। भाई एक समस्या है, पता नहीं कोई सुबह से पियानो बजा रहा है, सुबह से पियानो बजा रहा है, सुबह से पियानो बजा रहा है, बैंड बज गई सिर की। अब हमने सोचा थोड़ा कंपटीशन कर लें भाई, थोड़ा कंपटीशन कर लें। तो शायद आपको इस स्पीकर याद होगा जो मैंने विक्टोरिया को गिफ्ट किया था। हमने सोचा हम इसमें बजाएंगे अब पंजाबी गाने, अब दलेर मेहंदी इनका इलाज करेगा। जय दलेर मेहंदी, जय जय दलेर मेहंदी। और अब देंगे हम कंपटीशन, लेट्स प्ले प्ले सम पंजाबी सॉन्ग। तो भाई साहब फाइनली हम We won the competition. The piano stopped. See. Piano stopped. We won the competition. Yeah. तो भाई साहब कपड़े जो हमने धोए थे अब उनको फैलाते हैं। दिक्कत यह है कि बाहर बाहर ऐसा हो रखा है ना, मैं दिखाता हूँ, बाहर एकदम क्रेजी हो रखा है। पीछे वाइट वो है मेरे गल्फ ऑफ फिनलैंड, पीछे ही है बिल्कुल, और पूरा फ्रोजन है वो, पूरा सफ़ेद चादर है। अभी थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे तो दिखाऊंगा, अगर तब तक लाइट बची तो। अभी हमें क्या कर रहे हैं, जो कपड़े हमने धोए वो हमें यहीं घर में ही सुखाने पड़ेंगे स्टैंड के ऊपर। लेकिन भाई साहब कपड़े सूख भी रहे हैं, पता नहीं कैसे, कल रात को थर्मल धोया था और सुखाने रखा, रात भर में सूख गया, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या जुगाड़ है ये। कपड़े सुखा के फिर थोड़ा कमरा वमरा साफ करेंगे, सफाई करेंगे हम लोग, और फिर हम करेंगे आज के खाने की तैयारी, क्या बनाएंगे खाने में देखते हैं। तो अब हमारा शुरू होगा क्लीनिंग अभियान, जो हमने गंदगी मचाई है और जो पहले से मची हुई थी, क्योंकि विक्टोरिया लगभग लगभग 10 15 दिन बाद अपने घर वापिस आ रही है। तो हम ये सारा अपार्टमेंट हम क्लीन करने वाले हैं, रहने लायक बनाने वाले हैं। लेट स्टार्ट। सब सफाई लगभग पूरी हो गई, विक्टोरिया बस किचन विचन का थोड़ा काम कर रही है, क्लीनिंग किचन विचन, लाइक इट्स इंडियन स्टाइल, लाइक रोटी शोटी, रोड शोड, यू नो, किचन विचन लाइक अ स्लैंग लैंग्वेज। किचन विचन क्लीन कर रही है, मैं थोड़ा खाने का देखता हूँ। हम दो पार्ट्स में खाना बनाएंगे, पहली चीज़ हम बनाएंगे, अभी तुरंत भूख लग रही है कुछ खाने के लिए, तुरंत कुछ खा के लाइक चीला वीला कुछ मैं सोच रहा हूँ बनाने का। उसके बाद हम बाहर जाएंगे, थोड़ा सामान इकट्ठा करेंगे, खरीदेंगे, आपको दिखाऊंगा यहाँ के सुपरमार्केट आसपास के कैसे हैं और बाहर कैसा माहौल हो रहा है, और हम जाते जाते करेंगे बड़े खाने की तैयारी जो हम रात को खाएंगे। तो मैं पिछली बार जो विक्टोरिया के घर आया था 4 महीने पहले, मैं सूजी खरीदा था मैंने,
तो मुझे ढूंढनी है सूजी बची है या इसने फेंक दी, क्योंकि मैं काफी बड़ा पैकेट लिया था सूजी का। I will check, wait. It should be there. It should be there. Let's see if he can find. भाई साहब सूजी ढूंढ रहे हैं, इसके ब्रैक में रख के गया था मैं पिछले 4-5 महीने पहले। चीनी, we can add some sugar. No, no, no sugar. I think this, ये है क्या? मिल तो भाई। Check. है तो यही भाई, अब चेक करने कीड़े तो नहीं लग गए इसमें। Mix. Does it have an expiry date? Check. 10 months. Ah, we can use. 10 महीने. We can use. Let's make chila. बनाएंगे सूजी का चीला। बहुत पसंद है मेरे को। मेरी रेसिपी सिंपल है, दिखाता हूँ क्या है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन घर के अंदर सूजी का चीला। हमें चाहिए शिमला मिर्च, 3 अंडे, सूजी और 1 टमाटर। अगर प्याज हो तो अच्छा है, लहसुन हो तो भी अच्छा है, नहीं तो बिना इनके भी बन सकता है। थोड़ी सी गाजर भी काटेंगे, थोड़ी सी काट के डाल देंगे उसमें, तो उसे कद्दूकस करके। विक्टोरिया इतने गाजर काट रही है और टमाटर काट रही है, मैं इतने सूजी और अंडा का पेस्ट बनाना शुरू कर देता हूँ। सूजी कितनी डालनी है अपने अंदाज से डाल लेना यार, बेटर है दही हो तो दही भी डाल लेना। यू हैव कर्ड? कर्ड ओके। तो मैं अंडा से डालता हूँ, अंडे से, अंडा एक तरीके से एजेंट का काम करता है, उसको अच्छा चिपका देता है ऑमलेट की तरह, और टेस्ट मेकर भी है ही। थोड़ा नमक, नमक सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जो ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं पसंद आती, बीस कम हो जाए तो भी पसंद नहीं आती। थोड़ी काली मिर्च, अपनी शिमला मिर्च के अंदर। प्याज मिस कर रहा हूँ, हमारी ख़त्म हो गई असल में, प्याज है नहीं। अपना टमाटर अंदर गया, अब हमको इसको बढ़िया करके, पैन हमारा चढ़ चुका है और पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल पूरा पैन में अच्छे से फैला लो। बढ़िया, एकदम बढ़िया, जबरदस्त करा रहा। और अब बनाएंगी विक्टोरिया, विक्टोरिया की बारी। विक्टोरिया, लेट्स सी इफ यू कैन मेक इंडियन सूजी चीला। यस, ऑयल। सो व्हेनेवर यू स्टार्ट, फर्स्ट रिड्यूस द फ्लेम, रिड्यूस अ बिट। ओके, वेट, अप्लाई मोर ऑयल। मोर? यस, इन द स्टार्टिंग। यस, करेक्ट। नाउ टेक टेक enough in the center first, like lean it in. Okay, put everything okay. Yes, spread it, use the pan also. No, oil is good. भाई साहब चीले तो बन गए सारे, लगभग 5 चीले बन गए, बहुत है। अब हमें साथ में पीने के लिए चाहिए, तो हम बनाएंगे आइस टी। आइस टी के लिए हम थोड़ी सी, मतलब ये मेरा तरीका है क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते हम। हमने थोड़ी सी चाय ली और हम चाय को अब पानी में उबालेंगे थोड़ी देर। उबालने के बाद हम इसको ठंडे पानी में मिला देंगे एज़ यूजुअल, और हमारी आइस टी इज़ रेडी। पानी में थोड़ी चीनी घोल लेना ताकि आइस टी का टेस्ट मीठा आए। तो भाई साहब अपनी मील हुई रेडी, अपन का दो आइस टी आ गए, शराब नहीं है ये आइस टी है, दो आइस टी आ गए और अपना 5 चीले हो गए, और अपन मजे से अब ब्रेकफास्ट करेंगे, सॉरी शाम का ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बाहर, और बाहर दिखाऊंगा सुपरमार्केट से हम शॉपिंग कैसे करेंगे। लेट्स ईट एंड एंजॉय। भाई सब चीला जबरदस्त बना है, हाउ इज इट विक्टोरिया? इट्स बेटर देन प्लीने बिकॉज इट्स कम्प्लीट, यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी स्मिताना और हनी एनीथिंग इन इट, स्केचअप एंड दिस। Blin is also good. Blin is good in its place. It's good in its place. तो भाई साहब खाना पीना सब हो गया हमारा, अब हम जा रहे हैं बाहर। शाम के बज रहे हैं 8:15, शाम की रात होने वाली है, हो ही गई, और अब हम जाएंगे थोड़ी शॉपिंग करनी है हमें खाने की तैयारी के लिए, और अगले 1 हफ्ते का राशन खरीदना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे रिचार्ज कराना है मेरे मोबाइल के अंदर, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 4-5 महीने से उसमें रिचार्ज नहीं था, क्योंकि कल को सुबह फिर हमें 6 बजे उठ के निकलना है। This is the trash? Yes. Go, call the lift, I'm coming. तो यार जिस बिल्डिंग में विक्टोरिया का अपार्टमेंट है ना, तो वो एरिया काफ़ी सुंदर रखा है। वाह,
when they will take it off. Maybe from tomorrow they will start to take them off, right? No. They will till the end of January. Or till the end of February. Why? Because it's beautiful. In Moscow nice. Also? The main decoration, they will remove it, I think, in the middle of the January or something. तो अब हम जा रहे हैं सुपरमार्केट थोड़ा शॉपिंग करने. तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सामान, कौन कौन सा सामान कितने कितने प्राइस में मिलता है और हम क्या क्या लेने वाले हैं अपनी तैयारी के लिए, घर के लिए. और सिम कार्ड का सोल्यूशन तो हो गया, मेरा सिम एक्टिव है अभी. और हम शायद ऑनलाइन रिचार्ज करेंगे, जैसे इंडिया में जियो माई जियो ऐप से या हम गूगल पे वगैरह से रिचार्ज कर लेते हैं. चलो डोंट फॉल भाई, मैं भी क्यों पीछे हटूँ. यहाँ पे सारे में झूले लगा रखे हैं छोटे छोटे. रिलैक्स भाई, हम लोग अभी चल रहे थे और हमें सेंट पीटर्स में आसमान में नॉर्दर्न लाइट दिख गया. ये ग्रीन लाइट दिख रहा है ऊपर, द ग्रीन लाइन. आई थिंक इट्स डेफिनेटली नॉर्दर्न लाइट. Yes, because it's also green. There's no green light for reflection. There's no green light. Wow. A few moments later. अबे यार, मामू बन गया हमारा बहुत बड़े वाला. ये तीन बिल्डिंग देख रहे हो, रेड ग्रीन और ऑरेंज और ब्लू. इसका रिफ्लेक्शन है. इसका मतलब बादल बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं बादल. तो यार ये सामने वाली बिल्डिंग में हमारा सुपरमार्केट है, लगभग 100-150-200 मीटर के दूरी पर पड़ता है. वाव, तो सुपरमार्केट की एंट्रेंस बड़ी मस्त है. गो 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 गो, लीव इट. वाह, इट्स हियर. हाँ, बास्केट. ओके, फर्स्ट यू वांट सम ड्राई वेजिटेबल्स. वही प्याज तो चाहिए, आलू, ऑनियन, यू पोटैटो, यू हैव पोटैटो हैव. लेट मी फाइंड अ गुड ऑनियन फॉर यू. तो फल तो हम नहीं ले रहे हैं यार, फल अच्छे नहीं है इस दुकान में. सब्जी भी अच्छी नहीं है. तो हमने आलू और प्याज ले लिए तीन, और एक खीरा ले लिया, एक विक्टोरिया एवोकाडो ले लिए. व्हाट एल्स यू नीड? एक लस्सी लेनी यार मेरे को. अरे सरसों का तेल यहाँ पे 100 रुपये का 750 ml यार, हो ही नहीं सकता. आई डोंट नो इफ यू लाइक इट और नॉट, बट यू कैन ईट इट. यू कैन अप्लाई इट ऑन योर बॉडी ऑल्सो, इन योर हेयर ऑल्सो, इन योर ईयर ऑल्सो. यू कैन अप्लाई इट फॉर जॉइंट पेन ऑल्सो. इट्स लाइक ऑल इन वन इंडियन सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. आई डोंट नो इफ यू लाइक द टेस्ट, बट यू कैन नॉट फ्राई एवरीथिंग विद इट, बिकॉज दैट समटाइम्स द टेस्ट इज नॉट गुड, समटाइम्स टेस्ट इज गुड. सो इफ यू वॉन्ट ऑलिव ऑयल, लेट्स टेक ऑलिव ऑयल. तो यार यहाँ से हमने थोड़ा ही सामान लिया. अभी मेरी लस्सी नहीं मिली, तो हम दूसरी दुकान में लस्सी ढूंढने जाएंगे. और एक दो आइटम और है जो है नहीं मिले, जैसे हमें सेब खरीदना है, थोड़े फल लेने हैं. तो भाई सब दूसरी दुकान में आ चुके हैं और पालक मिली है. अब ढूंढने लस्सी मिल गई भाई, लस्सी मिल गई. ये है अपनी लस्सी, इसमें हम घर जाके चीनी घोलेंगे और चीनी घोल के पियेंगे. स्वीट लस्सी, मतलब ये फीकी रहती है. अभी फ्यू मोमेंट्स लेटर घर पे आ गए भैया हम वापस सामान खरीद के. और विक्टोरिया बना रही है चिकन राइस, वी हैव राइस. तो जो जिसको चिकन विकन देखना पसंद नहीं है, वो इस वीडियो को भैया 20-25-30 सेकंड तक फॉरवर्ड मार देना, क्योंकि अब मैं दिखाने वाला हूँ. तो मेरे से तो नहीं पॉसिबल है ये, मैं खा तो सकता बट मैं कटिंग नहीं कर सकता, मैं देखूँगा मैं नहीं ज़्यादा देर. तो विक्टोरिया अभी चिकन कट करेगी और ग्रेवी बनाएगी, मैं इतने चावल पकाऊंगा और हम चिकन ग्रेवी विद राइस खाएंगे. और साथ में देखते हैं कुछ आइस टी हमारे पास दोपहर की बची हुई, वो पियेंगे. यार हम लोग सिम कार्ड चेक कर रहे थे, एक दिक्कत आ गई कि जो हमारा वो है ना, क्या बोलते हैं, मेगाफोन का सिम है ना, उसका ऐप में मुझे दिखा रहा है कि मेरा -500 रूबल चल रहा है. पता नहीं कैसे, मैंने तो लास्ट मंथ कह रहा हूँ, जो लास्ट बार आया था पेड यूज़ किया था, -500 रुपये का डेट दिखा रहा है उसमें. और कह रहा है कि 1000 रूबल ऐड करो तब जाके आगे कुछ कर पाओगे इसके अंदर, नहीं हो तो ये लोग नया सिम कार्ड भी इशू करने देंगे मुझे, क्योंकि वो मेरे पासपोर्ट पे है. तो मुझे शायद किसी दूसरी कंपनी, विक्टोरिया भी वहाँ कॉल सेंटर पे बात कर रही है सोल्यूशन के लिए. तो भाई साहब यहाँ पे गेम पूरी चेंज हो चुकी है.
विक्टोरिया भी कॉल पे है कॉल सेंटर के साथ, और उन्होंने बोला कि आप अभी रिचार्ज कराओगे तो हम आपका पुराना बकाया माफ़ कर देंगे। अब क्यों बकाया रखा वो विक्टोरिया कहानी मेरे को बाद में समझाएगी। तो 550 रुपये का रिचार्ज करा रहा हूँ, 35 GB मिलेगा, 20 दिन बचे हैं, 35 GB ठीक है, कभी बाहर जाके इंटरनेट यूज़ करना हुआ, अपलोड करना हुआ तो काम चल जाएगा। तो विक्टोरिया भी रिचार्ज करा रही है, 550 रुपये में 35 GB डेटा मिल रहा है, 700 मिनट मिल रहे हैं और 100 SMS मिल रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे पे पेनल्टी क्यों लगाई, वो कॉल के बाद विक्टोरिया मुझे बताएगी। तो यार विक्टोरिया ने बताया कि यहाँ पे सीन ये है कि अगर आप अपना, जैसे मान लो मैंने एक महीने रिचार्ज कराया मोबाइल में और मैंने अगले महीने रिचार्ज नहीं कराया, तो कंपनी ये मान लेगी कि ऑटोमेटिकली रिचार्ज बंदे को कराना है तो माइनस में डाल देगी अकाउंट। तो इन्होंने जब मैंने पहले महीने के बाद रशिया छोड़ दिया तो उन्होंने ऑटोमेटिकली रिचार्ज कर दिया, पैसा था नहीं तो माइनस डाल दिया। तो इन्होंने बताया कि ऐसे चीज़ से बचने के लिए आपको जैसे आपका महीना ख़त्म होगा रिचार्ज का और आपको अगले महीने नहीं कराना है तो आपको ज़ीरो टैरिफ चूज़ करना है कि ताकि कंपनी ऑटोमेटिक रिचार्ज ना करे। इस बार वही करेंगे तो आपको माइनस नहीं जाएगा। और जो खाना बना है वो हमारी विक्टोरिया जी ने खाना बना दिया है, टेस्टी टेस्टी चिकन, थोड़ी सी करी बनाई है इसने हल्की सी जो सूखा है थोड़ा सा, पर ये लोग सूखा ही खाते हैं ऐसे में, और चावल हैं साथ में, टमाटर हैं, पानी पियो, खाओ पियो, सो। गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करनी है, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग या तो अभी करेंगे या कल करेंगे, अभी हिम्मत हुई अभी करेंगे नहीं तो कल करेंगे। See you.